नेक्स्ट चैप्टर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट लॉ की कोई लिमिटेशन, उन लिमिटेशंस को पूरा किया सेकंड लॉ ने। क्या है लिमिटेशन, फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस है जो सेकंड लॉ ने पूरी की? तो स्टार्ट है चैप्टर लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। हमने ये तो बात की, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए किसी भी गैस को, किसका टेम्परेचर डेल्टा टी लाइज हो जाए, डेल्टा टी लाइज। और हमने ये तो भी बात की कि हीट जो ट्रेवल कर रही है वो हॉट बॉडी से लो बॉडी में ट्रेवल कर रही है, या लो टेम्परेचर बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रेवल क्यों नहीं कर रही? नहीं, हमने कभी डायरेक्शन की बात नहीं की। लेकिन सेकंड लॉ आपको बताएगा कि हीट कब हॉट से कोल्ड में जाएगी, कब कोल्ड से हॉट में जाएगी। नेचर का लॉ है हीट हॉट से कोल्ड में तो अपने आप जाएगी, पर कोल्ड से हॉट में कब जाएगी और कैसे जाएगी, मीन हम बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की। सेकंड लॉ बताएगा, फर्स्ट लॉ नहीं बताना था। सेकंड है, इट डज नॉट टेल द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क। देखो ये बताएगा कि सपोज करो अगर मैंने गोली चलाई, बुलेट चलाई, बुलेट ने मेटल को हिट किया और बुलेट और मेटल गर्म हो गई, तो मैंने वर्क किया और वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, हीट। चलो उल्टा करते हैं, आप बुलेट को जो है हीट करना शुरू कर दो, क्या बुलेट मूव करना शुरू कर देगा? क्यों? हीट वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये क्या बात बनी? आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कब हीट या वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो रहा है, कब हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि मीन्स कुछ प्रोसेसेस तो रिवर्सिबल हैं, कुछ प्रोसेसेस रिवर्सिबल नहीं। कभी कभी तो ऐसा हम बोलते हैं कि हीट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन हो गया। कैसे? इंजन है, गैस को गर्म किया, हीट दी और गाड़ी चलना शुरू हो गया, गाड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया, हीट कन्वर्ट हो गया किसमें? वर्क डन में। लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है, अब बुलेट को गर्म करोगे तो मूव नहीं करेगी। इसका मतलब कि सेकेंड लॉ आपको हेल्प करेगा, ये सारी चीजें बताएगा कि कब तो हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ, एक ही बात है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इट मीन सेकंड लॉ से पूरा करेगा। और लास्ट है, फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट दैट वाई होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंटीन्यूअसली। मुझे ये नहीं आज तक समझ आया जब तक मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा था कि मेरी गाड़ी की एवरेज 12 क्यों है। और कोई ये कहता है कि किसी की गाड़ी की जो एवरेज है वो 25 है और वो डीजल पे, और मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे, उसमें पेट्रोल तो मैं भी सेम रेट में डलवाता हूँ, गाड़ी में पैसे मैंने भी उतने ही खर्चे हैं जो इसने खर्चे हैं, लेकिन इसकी गाड़ी ज्यादा चलती है मेरी ज्यादा क्यों नहीं चलती? क्योंकि किसका फर्क है? इंजन का फर्क है। इंजन में ऐसा उन्होंने क्या किया कि एफिशिएंसी इंजन की इंक्रीज हो गई, आपको कौन बताएगा? सेकंड लॉ। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? मतलब आज कुछ कुछ फ्लेवर मिलेगा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो स्पेशली कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं मैकेनिकल करने का, बस यार क्या करना करनी होगा नहीं ठीक, तो ऐसा उनमें वो क्या करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज देखते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, चार पांच डेफिनेशन आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बुक्स में गिवन है, अलग अलग तरीके से गिवन है, पर मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ये डेफिनेशन है और ये सबसे आसान है ठीक। तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन और एडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर एट अ हायर टेम्परेचर। अब इट मीन व्हाट कि सबको मालूम कि अगर सपोज करो ये गर्मियां पड़ रही है, समर जो है गर्मी का मौसम है,
एंड सपोज मैं इमेजिन करता हूँ कि बाहर बहुत गर्मी है, अंदर जो है टेम्परेचर उतना गर्म नहीं है, तो मैंने नहीं करवा, अभी तो ऊपर घूम रहे थे और एकदम नीचे होना गया था इसका। वैसे इम्पोर्टेंट का फोन था, दिया क्लासेस भी इम्पोर्टेंट हो गया। फिर क्या हुआ, वो तो मुझे पता है क्यों लेट हो गया इतना, पता है। देखो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लो गर्मियां पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप एक काम करो इस एसी को निकाल देते हैं, देखो रूम अपने आप बहुत गर्म होना शुरू हो जाएगा। मान लो बहुत गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो अंदर ठंडा कैसे रहेगा, तो हीट विल ट्रेवल फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर। ठीक है, एक काम करते हैं एसी को लगा देते हैं, चलाते नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, रूम ठंडा हो जाएगा? नहीं, रूम ठंडा नहीं होगा। एसी चलाते हैं तो एसी क्या करेगा, अंदर से गर्मी निकालेगा और बाहर फेंकेगा। कितनी भी गर्मी पड़ जाएगी, अंदर 45 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, भाई बंद है रूम तो ऑब्वियसली बाहर अगर 45 डिग्री सेल्सियस चलो, अंदर 35 लगा लो, 30 लगा लो, 38 लगा लो, 45 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतनी इसके अंदर और बाहर का कुछ टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, यहां तक तो आपका एसी क्या कर रहा है, जब आप ऑन करोगे आपकी कोल्ड बॉडी, कोल्ड जो है रूम है, अब ठीक है गर्मियां पड़ रही है पर बाहर के मुकाबले तो अंदर टेम्परेचर कम, तो आपकी कोल्ड बॉडी में से हीट निकाल रहा है और कहां फेंक रहा है, हॉट बॉडी जो ऑलरेडी क्या है, हॉट है, तो एटमोस्फेयर यदि कि और गर्म हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपका फ्रिज क्या करेगा, अंदर ठीक है ठंड है, बाहर के मुकाबले तो अंदर ठीक है टेम्परेचर, पानी में से और हीट निकालेगा, और हीट निकालेगा, बाहर फेंकता जाएगा, पानी और ठंडा 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 होता जाएगा क्योंकि हीट कॉन्टिन्यूसली बाहर निकलती जा रही है। अपने आप तो कोई मशीन ऐसा नहीं कर सकती, धीरे से चलेगी, तो यानी कि अब सेकंड लॉ ये तो बोलता है कि सेल्फ एक्टिंग मशीन, अपने आप ऐसी चलने वाली कोई मशीन नहीं है, जो हीट को ठंडे से गर्म में फेंके, गर्म से ठंडा इज ओके पर ठंडे से गर्म इज नॉट ओके। तो सेल्फ एक्टिंग मशीन है, अभिषेक राज, हर्षप्रीत, हिमांशु, चितंबर, मधुर, पारस, प्रीति, प्रीति, रॉबी शर्मा, सागर, साहिल, रोहित सैनी, की जरूरत नहीं है, जो वापस हो सकता है रिवर्स, इरिवर्सिबल, यही क्लियर है। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क, हीट एनर्जी इनटू वर्क, हमारा इंजन क्या करता है, हम पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल गर्म होता है,
गैसेस बहुत हाई टेम्परेचर पे निकलती हैं, वो गैसेस में बहुत ज्यादा हीट है, उस हीट को हम बाहर निकालते हैं कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वर्क कार चलती है, वर्क डन चलेगी, डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन। तो हम क्या कर रहे हैं इंजन में, हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क डन। सो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क, तो हीट इंजन इधर तो ऐसा काम कौन करेगा, हीट इंजन। इंजन हीट इंजन एक ऐसा ऐसी मशीन है जो क्या करेगी, हीट एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली किसमें कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल प्रिंसिपल सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एक ही समझ लो, ये इन जनरल इंजन की कंस्ट्रक्शन है, मतलब इंजन तो 100 टाइप के होंगे, पता नहीं कितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पट्टी कर चुकी है, तो मुझे नहीं मालूम 100 टाइप के इंजन है, बट दुनिया को कोई इंजन उठा लो तो तीन चीजें हमेशा ही होंगी, एक फ्यूल तो डालोगे ना, बिना फ्यूल के इंजन काम नहीं करेगा। तो एनर्जी कहां से आ रही है, तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है सोर्स, इन जनरल सोर्स। सोर्स मीन्स कहां से आप हीट लोगे, वो आपका सोर्स है, तो जैसे पेट्रोल डाला तो आपका सोर्स है। और दूसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए आपकी वर्किंग सब्सटेंस, एक सोर्स चाहिए या हॉट बॉडी चाहिए जहां पर हीट उठाई जाए। सो इट प्रोवाइड्स हीट एनर्जी फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क, तो कॉन्टिन्यूसली आपका जो जो सोर्स है वो हीट देगा और वर्क में कन्वर्ट होगा। और दूसरा है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, नॉर्मली गैस ही होती है वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि आप कंप्रेस करके आ रहे हो इंजन में, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन कौन कर रहा है, गैस, गैस को कर रहे हो, तो वर्किंग सब्सटेंस कौन है इसमें, गैस। सिंक कोल्ड बॉडी, गैस में से हीट निकाली, वर्क डन में कन्वर्ट किया, पर सारी हीट निकल नहीं सकती, थोड़ी बहुत हीट अभी भी उसमें रहती है, तो आप उसको निकालना चाहते हो, बची हुई हीट को इंजन जो है बाहर निकालेगा, जो जो कार है उसमें वो भी होता है, धुआं भी निकलता है और एकदम हॉट आप फील कर सकते हो, एकदम जब इंजन चल रहा होगा तो उसमें से हीट बाहर निकलती है, बट उसका अलग प्रिंसिपल बताता हूं कि उसमें हम उसको और एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। हीट फेंकनी क्यों फेंकना, वैसे अगर मान लो एक नॉन एफिशिएंट इंजन है, बेकार इंजन है, बहुत पुराने जमाने का इंजन है, वो क्या करेगा, जो बची हुई हीट है उठाकर एटमॉस्फेयर में फेंक देगा। अंदर का टेम्परेचर इंजन का बहुत हाई होता है, पेट्रोल जब बर्न होता है तो कई सौ डिग्री सेल्सियस हाई हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत हो रहा है 45-30, आजकल तो वैसे बहुत कम है। मान लो हीट कहां फेंक रहे हैं, बाहर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वही मेरा सिंक है, तो हीट कहां फेंकी जा रही है, इन सिंक। तो सिंक का टेम्परेचर लेट से T2 है, तो उसका टेम्परेचर सपोज कितना है, T1 है, क्लियर। अब नॉर्मली आज के जो इंजन है वो बाहर हीट को, इतनी सी हीट को बाहर क्यों फेंकना, वो तो वेस्टेज हो गई, तो वो क्या करते हैं, एक सिंक अलग कंटेनर बना लेते हैं, बची हुई हीट को क्या करते हैं, वापस से सोर्स में फेंक देते हैं। भाई सोर्स मीन्स पेट्रोल बर्न हो रहा है ना, तो क्यों बची हुई हीट को भी आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, उस बची हुई एनर्जी को भी सोर्स में डाल दोगे तो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन काम आ जाएगी। बट चलो हम आज के इंजन क्यों डिजाइन कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले जब दुनिया में पहली बार इंजन बना था, हम तो उस जमाने में चले गए हैं, तो टॉपिक तो वही है ना, बेसिक इंजन का प्रिंसिपल भी है ना, मैंने कौन सा इंजन बनाना सिखाना है, तो बेसिकली क्या है कि एयर कंडीशनर जो होते हैं, एसी जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर और एसी का सेम काम, देखा होगा एसी जो ठीक करेगा वो फ्रिज तो ठीक करता ही है, तो काम ही दोनों में सेम है, गैस उसमें डलती है, गैस उसमें डलती है। तो बेसिकली क्या है कि जो एसी है दैट इज एग्जैक्टली अ रिवर्स ऑफ अ हीट इंजन, हीट इंजन जो काम करता है उसका एग्जैक्टली उल्टा काम एसी करता है। हीट इंजन में वर्क डन हम अचीव करते हैं, लेते हैं इंजन से, इसमें हम वर्क डन करते हैं, ठीक आएगा रेफ्रिजरेटर आएगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले इंजन की बात करते हैं। तीन कॉम्पोनेंट क्लियर है, नेक्स्ट है एफिशियंसी। देखो अगर आप एफिशियंसी की बात करते हो तो सबसे पहली चीज सोर्स का टेम्परेचर कितना है T1, सिंक का टेम्परेचर कितना है T2, और कितना वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन के लिए सबसे पहली चीज आपने सोर्स से कितनी हीट ली,
Q1 और काम किया, कुछ काम किया, बची हुई हीट को किसमें फेंक दिया, उठा के क्यू सिंक में। तो इसका मतलब आपने कितना वर्क डन किया, Q1 माइनस Q2। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज Q1 माइनस Q2 टू द यूज ऑफ द व्हीकल। क्लियर है यहां तक? अब मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है कि व्हील्स चल कैसे रहे हैं, वर्कडन हो कैसे रहे। आपने एड में भी देखा होगा कैस्ट्रॉल की और ये सब जो एड आती है, इंजन ऑयल, इंजन दिखाते हैं और पिस्टन जो अंदर बाहर मूव कर रहा है बहुत तेजी से, और उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप उसमें ऑयल डालोगे तो जो पिस्टन है वो फ्रिक्शन नहीं होगी, उसमें एफिशिएंसी क्लच की नॉर्मली ज्यादा होगी। तो बेसिकली क्या, जितना बढ़िया तरीके से कंप्रेशन एक्सपेंशन होगा उतना ही आपका एक बेटर इंजन की लाइफ बढ़ेगी। अगर आप इंजन ऑयल डालोगे नहीं, फ्रिक्शन ही डेवलप हो जाएगी उसमें और आपका इंजन खराब हो जाएगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, इंजन ऑयल डाल रहे हो, उससे क्या होगा कि आप गैस है जो आपकी, जो गैस डेवलप की, उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो पिस्टन जो है अंदर जा रहा है, पिस्टन इज कनेक्टेड बाय अ क्रैंकशाफ्ट, तो कुछ इस तरीके की टर्म्स है, तो छोड़ो एक रॉड। तो पिस्टन जब एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड हो रही है, पिस्टन बाहर निकल रहा है, एक व्हील के साथ कनेक्टेड है, मेरा हाथ व्हील है, पिस्टन बाहर गया, व्हील घूमा, पिस्टन अंदर आया, व्हील फिर घूमा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रेन का मैंने बताया था ना, एक रॉड है, सपोज ट्रेन का व्हील ऐसे घूमता है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो एक्सपेंशन कंप्रेशन एंड कंप्रेशन। तो अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूं एक रॉड के साथ, तो व्हील उतनी तेजी से घूमना शुरू कर दे। तो आप इमेजिन करो कि पिस्टन कितनी स्पीड के साथ, आप गाड़ी को 120 से 140 स्पीड पे ले जाते हो, तो कितनी तेज और कितनी जबरदस्त वो जो आपकी जो मेटल भी होगा, कितना स्ट्रांग होगा जो इतनी उससे मूव कर रहा है। आपके इंजन थोड़ी कॉस्टली है, बिकॉज मेटल बहुत हेवी यूज हो रहा है और साथ में बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, और कितनी जल्दी कोई काम करेगा उतनी एफिशिएंसी हाई होगी। तो फिर आप गाड़ी की कंपैरिजन में आ जाते हो, इसका उसकी पिकअप कितनी है जी, वो पिकअप मीन्स कितनी जल्दी फ्यूल को बर्न करके कितनी जल्दी वर्कडन में कन्वर्ट करता है, तो वो कितनी जल्दी कन्वर्ट करता है पावर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसको छोड़ देते हैं 2 मिनट। तो बाकी ये चीज क्लियर है, Q1 लिया, Q2 फेंका, वर्कडन किया, Q1 माइनस Q2। मैंने कितनी इनपुट ली, Q1, मैंने कितना वर्कडन किया, W, आउटपुट वर्कडन, जितनी गाड़ी चल गई वही मेरा वर्कडन है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा को बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट वर्कडन अपॉन इनपुट हीट। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब जितना मैंने काम किया कितना मैंने इनपुट लिया, ठीक। और दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी, ठीक। तो मशीन हमेशा वेस्ट करेगी एनर्जी को और 100% नहीं, ह्यूमन बींग्स की भी नहीं है वैसे, आपकी भी कौन सी, घर से बेनिफिट ज्यादा लेते हो, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे और रिजल्ट होता है नहीं। तो इसको आपकी एफिशिएंसी, आपके रैंक्स और आपके रिजल्ट से है ना, तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फेल हो रहे हो, इसका मतलब जीरो एफिशिएंसी है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? W को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक। तो एफिशिएंसी इज Q1 Q2 बाय Q1, या एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट एफिशिएंसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ये 1 माइनस Q2 बाय Q1। एनी डाउट? ठीक है, आगे। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ हीट इंजन है। पुराने जमाने का इंजन स्टीम इंजन, पहला जब बहुत पहले बनाया था किसी ने, तो उसका जो हम बर्न किसे कर रहे हैं, पानी को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम में। तो पानी को इंजन के अंदर कैसे बर्न करो, क्योंकि इतना पानी चाहिए स्टीम बनाने के लिए, तो आप उस फ्यूल को कहां रखोगे, एक्सटर्नल, बाहर टैंक बनाओगे जहां उसको गर्म करोगे, एक्सटर्नल कंबस्टन। आज के इंजन में पेट्रोल के टैंक में, जैसे आप पेट्रोल को कहां डाल रहे हो, इंजन के अंदर, वहीं आप बर्न कर रहे हो, वहीं गैसेज निकल रही है, वहीं पिस्टन अंदर बाहर जा रहे हैं। तो आजकल के इंजन सारे के सारे इंटरनल कंबस्टन इंजन है। तो हम जो बात करेंगे इंटरनल की बात करेंगे, कार्नोट इंजन। देखो, पहले बता दू आपको, कार्नोट इंजन बहुत मीन्स फेमस इंजन है आज का, नहीं बहुत पहले जब डिजाइन हुआ था,
एक साइकिल था, एक साइकिल प्रोसेस करना होता है हमने, पिस्टन पहले बाहर जाएगा, पिस्टन वापस अंदर भी आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल। तो एक साइकिल प्रोसेस पूरा करना है, साइकिल प्रोसेस मैं कैसे पूरा करता हूं, सपोज पहला केस एक्सपेंशन कंप्रेशन, बस फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक कंप्रेशन, मान मेरा पहला केस। दूसरा केस है, चलो मैं ऐसे नहीं करता, मैंने एक्सपेरिमेंट किया कुछ, मैंने ऐसे करने की कोशिश की आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब एक्सपेंशन भी इकट्ठी नहीं की, दो स्टेज में की, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, मान लो ठीक हो गया, केस भी हो गया, बनाया तो मैंने साइकिल ही ना, घूम करके वापस तो हम आई गए। तीसरा केस आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबेटिक कंप्रेशन, मान लो कुछ ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आने मैंने शुरू कर दिया, इमेजिन करो केस नंबर तीन। तो साइकिल में तीन स्टेज बनेंगे और तीन स्टेज में आपका ग्राफ वापस किया जाएगा। अब ऐसे तो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक आइसोथर्मल या एडियाबेटिक आइसोथर्मल एडियाबेटिक, ऐसे पता नहीं कितने बनने शुरू हो, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप गैस को कैसे कंप्रेस कर रहे हो और कैसे एक्सपैंड कर रहे हो, वह कंडीशन है, कोई आइसोथर्मल पे करेगा, कोई एडियाबेटिक पे करेगा, कोई हाइब्रिड यूज करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोथर्मल है एडियाबेटिक एंड सो उनमें से एक साइकिल जो इसको फॉलो करेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक। अगर आप इन स्टेजेस में यानी कि एक्सपेंशन को दो पार्ट्स में करोगे और कंप्रेशन को भी दो पार्ट्स में करोगे, मान लो, और कैसे करोगे एक्सपेंशन दो पार्ट्स में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहले फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन पहले एडियाबेटिक कंप्रेशन उसके बाद पहले। तो इस साइकिल का नाम दिया गया, साइकिल प्रोसेस का कार्नोट, साइंटिस्ट से रिलेटेड है कार्नोट, कार्नोट साइकिल रख दिया। ऐसी पता नहीं कितने ऑटो साइकिल और पता नहीं बहुत सारे मेरे को याद आ रहे हैं, जब आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अगर गए तो एडमिशन जाएंगे ना, तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें कुछ सब्जेक्ट कंपल्सरी होते हैं, आप सुना होगा, उनमें से एक सब्जेक्ट जो हर किसी को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स में सिविल में, जिसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में लगे लगेगा थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हर इंजीनियरिंग का एक फेवर दिया जाता है, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी पड़ती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, सिविल पढ़नी पड़ती है, मेटलर्जी पढ़नी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल पढ़नी पड़ती है, तो ये 12 इंजीनियरिंग की ब्रांचेज होती हैं और मोर ओवर मैथ्स को पढ़नी पड़ता है, मैथ्स हर इंजीनियरिंग का एक फ्लेवर है, उनमें एक फ्लेवर मैकेनिकल का है, तो आपका सब्जेक्ट का नाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही होगा। उसके अंदर मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो उस बुक में पूरी किताब है, 6 महीने आपको या 4 महीने आपको बस थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ना है इन डिटेल, और उसमें आपको साइकिल ही समझाए जाएंगे कि एक इंजन में अगर ए टाइप का इंजन है, ए टाइप का इंजन है तो उसमें कितने कौन सा साइकिल फॉलो हो रहा है, बी टाइप में कौन सा साइकिल फॉलो हो रहा है, सी में कौन सा, डी में कौन सा, ई में कौन सा, ऐसे 4-5 साइकिल्स आपके सिलेबस में होंगे बड़े बड़े अच्छे से इन डिटेल, उनमें से एक कार्नोट साइकिल भी होगा, एक कार्नोट साइकिल है, ऐसे पता नहीं पूरी किताब है साइकिल्स पे जो आपको सिखाई है। ठीक, प्लस टू तो बिल्कुल ही हल्का सा फ्लेवर है और इंजीनियरिंग प्रॉपर डिटेल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल डिटेल होती है, तो यहां पर क्लियर है। तो हम बहुत बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं। अब कार्नोट साइकिल द कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन के अंदर जो साइकिल है उसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं। इम्पोर्टेंट बात कर लो स्कूल पे टॉपिक आ सकता है इसमें, ये कंपटीशन में तो कुछ और ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट है, आपके अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ गया तो अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूं कार्नोट इंजन से, जब तक मैं ये नहीं कहूंगा बस यहां तक लिखना है तब तक हमें लिख ही जाना,
ठीक है, तो मैं आपको वहां करवाऊंगा एफिशिएंसी का देखते हैं आप, ये चैप्टर का एंड हो रहा है ना, आपने दे लूंगा इसका एफिशिएंसी एफिशिएंसी का, ठीक है ना। आपने ये पूरा लिख के ही आ गया, देखो कैसे सबसे पहले आपने स्टार्ट इनकी करना है व्हाट इज अ कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। सेकंड, इसकी कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ, सारे इंजन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। थर्ड, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सीखो। कंस्ट्रक्शन में पहली कंस्ट्रक्शन है सोर्स, सोर्स का होना जरूरी है, नहीं तो लीड कहां से होगा। तो सोर्स इज एट टेम्परेचर T1। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का पार्ट है स्टैंड, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, क्या रोल है इसका मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है सिंक, हीट को कहीं तो फेंकेंगे बची हुई हीट को, तो बची हुई हीट को फेंक रहे हैं इन सिंक, सिंक का टेम्परेचर है T2 एंड T2 इज लेस देन T1। नेक्स्ट है सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है कंडक्टिंग है, हीट अंदर बाहर जा सकती है, अगर एसी को बंद करके बैठ जाऊंगा तो हीट गैस के पास आएगी कैसे, तो इट शुड बी कंडक्टिंग। और यहां से लीक ना हो जाए तो ये वॉल्स क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड, ठीक। और अंदर वर्किंग सब्सटेंस, ठीक, कंस्ट्रक्शन कोई लिख लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें पांच स्टेप लिखे हुए हैं, सिलेंडर है, हीट सोर्स है, सिंक है, स्टैंड है, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक हो गया यहां तक। अब उसके बाद ये ग्राफ, पहले ग्राफ बना फिर साइकिल समझे, नहीं गलत है अप्रोच, ग्राफ तो बाद में बनेगा ना, पहले कुछ प्रोसेस चलाएंगे फिर साथ साथ उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ करने से पहले आप इसको ध्यान से समझना, सबसे पहले एक साइकिल प्रोसेस होना जरूरी है, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन थ्रू सम मैकेनिज्म, इसी तरीके से मान लो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को उठा के सोर्स पे ले गया, सिलेंडर को उठा के सोर्स पे ले गया, फिर मैंने इस सिलेंडर को उठाया स्टैंड पे ले आया, फिर मैं सिलेंडर को मैंने उठाया सिंक पे ले आया, फिर स्टैंड पे ले आया, फिर वापस सोर्स पे, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आया। सिलेंडर पहले यहां पर था, मान लो कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे ये मूव कर सकता है, तो मैंने क्या किया, स्टेप नंबर वन, जब सेंटर यहां पर आएगा 2, 3, 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, फिर वापस आ जाएंगे 1 पे, यानी कि प्रोसेस क्या होगा, साइकिल प्रोसेस स्टार्ट, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो वहीं पर घूम के आना, इसका मतलब साइकिल, साइकिल बन कैसे रहे इसको देखते हैं। सबसे पहले ये सिलेंडर सोर्स के ऊपर, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा T1 रहेगा। अगर आप ये कहोगे कि हम गैस ने तो हीट ले ली कुछ, तो सोर्स का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, जब सोर्स से हमने हीट ले ली तो कम नहीं हुआ, क्यों, पेट्रोल अनलिमिटेड है, जितना मतलब यूज हो पेट्रोल नहीं डालोगे इंजन कैसे चलेगा। तो आप मान लो पेट्रोल बर्न होता जा रहा है, होता जा रहा है, और किस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका जो सोर्स का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है T, ठीक हो गया था। आपने सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख दिया, इसी में कोई गैस पड़ी हुई थी, उस गैस ने हीट लेनी शुरू कर दी, हीट ली और गैस गर्म होनी शुरू हो गई, और गैस का टेम्परेचर जब गर्म होगा, हाई होगा, तो गैस क्या करेगी, गैस का टेम्परेचर T1 है, और जितना हॉट बॉडी का टेम्परेचर है T1, उतना ही गैस का टेम्परेचर है T1, तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम, क्लियर। तो यहां का टेम्परेचर आपका T1 है, और इस प्रोसेस में गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड, जो कि सेंटर यहां पर है, एक्सपैंड हो रही है, और टेम्परेचर सेम है T1 हर पॉइंट पर, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, अब क्या हुआ, अभी एक्सपेंशन हो रही थी, और आपने इस सिलेंडर को उठाकर बड़ा फर्स्ट के ऊपर एक्सपेंशन हो रही, अब क्या हुआ,
कि स्टैंड इंसुलेटिंग है और इसका साइज एकदम सेम है, तो सिलेंडर का बेस एकदम बंद हो गया, अंदर ईट बाहर, अंदर बाहर ईट, अंदर बाहर नहीं जा सकती, तो स्टैंड ने बंद कर दिया। एक्सपेंशन अभी भी हो रही है, हीट अंदर बाहर जा नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, एडियाबेटिक है, एक्सपेंशन हो रही है अभी भी, क्योंकि गैस का टेम्परेचर की मान है, एक्सपैंड होती रहेगी लेकिन टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया। देखो ना, टेम्परेचर बहुत हाई है गैस का, टी वन, अभी तो पहले केस में टी वन था, और जब आपने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, अभी गैस गर्म है, हमेशा गर्म थोड़ा रहेगी, गर्म गर्म गैस है तो एक्सपैंड तो होती रहेगी, लेकिन आप और हीट बाहर से नहीं देंगे, तो थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन, लेकिन डाउन तब होगा जब गैस क्या करेगी, अभी भी एक्सपैंड, यानी कि सेकेंड स्टेज में भी क्या हो रही है, एक्सपेंशन, लेकिन किस कंडीशन में, अंडर एडियाबेटिक। पर अब टेम्परेचर की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं, तो टेम्परेचर यहां से टी वन से क्या हो गया, लेट से डाउन, टी टू हो गया डाउन, हो जाओ ठीक। अब जितना गैस ने एक्सपैंड होना था वो दो स्टेज प्रोसेस है, पहले आइसोथर्मल में हुआ और फिर एडियाबेटिक, पूरा पिस्टन बाहर आ गया, अब अंदर जाने की बारी है कंप्रेशन। अब जितना एक्सपेंशन होना था हो गया, जितनी हीट से वर्कन कन्वर्ट होना था हो गया, अब बची हुई हीट को बाहर फेंकने, कैसे बची हुई हीट को मैं क्या बोलता हूं, देखो अब सिलेंडर को उठा के मैंने सिंक कर दिया, सिंक मीन्स खोल दिया, बाहर की तरफ मीन्स कोई ऐसी बॉडी है जो बाहर से खुली है, एटमोस्फेयर में मान लो एनवायरमेंट है, तो मैंने इसको पुश किया, गैस ठंडी हो चुकी है T1 से लेट से T2 इतनी ठंडी हो चुकी है कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर सिंक का टेम्परेचर T2 है और गैस भी इसके कॉन्टेक्ट में आ गई तो इसका मतलब ओपन हो गया था, ओपन का मतलब कि हीट बाहर जा सकती है, और आप कंप्रेस कर रहे हो, अगर आप कंप्रेस भी कर रहे हो गैस गर्म होने की कोशिश करेगी तो क्या फर्क पड़ता है, जो भी हीट जनरेट होगी वो आप ऑटोमेटिकली कहां फेंक रहे हो, सिंक में, तो गैस का टेम्परेचर मैंने T2, आप कंप्रेशन कर रहे हो लेकिन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि गैस का टेम्परेचर कंप्रेशन के टाइम पे क्या रह रहा है, T2 एंड T2, कोई डाउट है, समझ आ रही है बात, क्लियर है ठीक, समझ आ रहा है आइसोथर्मल क्यों हुआ, आप कंप्रेस करो, कौन मना कर रहा है, आप कंप्रेस करो, हीट जनरेट करो, हीट वर्क कैसे पाओगे गैस के पास, तो गैस तो बाहर फेंक देगी हीट को, सिंक में फेंक दो, Q2 हीट, टेम्परेचर राइज होने की कोशिश करें, नहीं होगा क्योंकि सिंक के साथ कॉन्टेक्ट में है और जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना गैस है, अभी कुछ कंप्रेस हुई ही थी गैस, कुछ हीट बाहर निकली ही थी, आपने क्या किया, चौथा स्टेप ले लिया, सिलेंडर को इसके ऊपर रख दिया, बेस बंद कर दिया, गैस को कंप्रेस कर दिया, अब क्या होगा, हीट तो अभी जनरेट होगी नो डाउट, क्योंकि कम आपने इसको कंप्रेस किया, हीट बाहर जाने दे रही तो गैस क्या हो जाएगी, अब टेम्परेचर गैस का क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा ठीक, आपने इतना कंप्रेस किया उसे कि टेम्परेचर वापस से कितना अटेन हो जाएगा, T1, मतलब एकदम आपने क्या किया, पहले T2 ठंडी गैस थी, आपने कंप्रेस किया, जब आपने कंप्रेस किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हो गया, जैसी राइज हुआ आपने सेंटर को इसके ऊपर किया, टेम्परेचर वापस से कितना कर दिया आपने, T1, कहने का मतलब यहां टेम्परेचर T1 था, एक्सपेंशन हुई आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन, जब जब एडियाबेटिक होगा टेम्परेचर चेंज होगा, आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज, गैस जब यहां पर थी एक्सपेंशन टेम्परेचर T1 था, अगली एक्सपेंशन में टेम्परेचर T1 से हो गया, फिर कंप्रेशन में T2 का T2 रहा, फिर इसके ऊपर T2 से वापस क्या कर दिया, T1, साइकिल क्या हो गया। अगर मैं किसी चीज को ग्राफिकली समझाऊं, जो मैंने समझाया ये बनेगा, ये सबसे पहले हम A से स्टार्ट हुए, A से हम कहां पर गए, B पे गए, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, ये देखो गैस एक्सपेंड कर रही है, ये एक्सपेंशन हो गई, अब ये एक्सपेंशन किस कंडीशन पे है, आइसोथर्मल कंडीशन,
की जो एक्सपेंशन है दिस इज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, टेम्परेचर यहां पर टी वन था, हर पॉइंट पर टेम्परेचर विल रिमेन सेम, ठीक है। और इस दौरान आपने हीट एब्जॉर्ब की कितनी क्यू, ऑब्वियसली इस टाइम पर आपने क्या किया, आपने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। आइसोथर्मल के टाइम पे हीट एब्जॉर्ब होती है, आइसोथर्मल के टाइम पे हीट रिजेक्ट होती है, एडियाबेटिक में तो हीट एक्सचेंज का कोई मतलब है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, गैस अभी भी एक्सपेंड कर रहे हो लेकिन अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, तो ये ग्राफ किसका बनेगा, ये ग्राफ एडियाबेटिक कंडीशन का बनेगा, कोई डाउट इसमें, ठीक। जिसमें टेम्परेचर T1 था, क्या हो गया T2, ठीक। नेक्स्ट, फिर आपने क्या किया, कंप्रेशन, ये आपने गैस को वापस कंप्रेस किया यहां से लेकिन यहां तक, लेकिन अंडर आइसोथर्मल, और आपने साथ ही साथ हीट को क्या किया, सिस्टम से रिजेक्ट किया, कितना Q2, हीट को रिजेक्ट किया, और इस दौरान टेम्परेचर T2, 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 T2 एंड इट विल रिमेन T2, कोई डाउट इसमें, ठीक हो गया यहां तक। उसके बाद लास्ट स्टेप है, आपने क्या किया, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और वापस से टेम्परेचर T2 से कितना जनरेट करवा दिया T1, हीट का यहां कोई काम नहीं, हीट का यहां कोई काम नहीं, यहां पर Q1, यहां पर Q2, ठीक है। हीट एक्सेप्ट की आइसोथर्मल, हीट रिजेक्ट हुई आइसोथर्मल, कोई डाउट, ग्राफ क्लियर है सबको, डाउट है ग्राफ में, ओके मैं इसका आंसर आपको थोड़ी देर में दूंगा, मैथमेटिकली दूंगा। हमने एफिशिएंसी क्या प्रूव की थी, 1 माइनस क्यू वन बाई क्यू टू ना, 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन ना, इस साइकिल से आई कैन प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन इज 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू क्यू टू बाई क्यू वन, जो कि ट्रू है ना। आप एक काम करो, आप सब कुछ आइसोथर्मल एडियाबेटिक पे कर लेना, लेकिन प्रूव करके दिखाना है एफिशिएंसी 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन आ गई, अगर तो आ गई तो सही है, अगर नहीं आई गड़बड़ है, यानी कि आपका मैथमेटिकली इंजन सही नहीं काम कर रहा, हीट जो आपकी हीट है वो वैसे भी चीज नहीं, बताओ जरा, आइसोथर्मल एडियाबेटिक दो से ही कर रहा है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करें, एडियाबेटिक कंप्रेशन करें, क्या करें, आइसोथर्मल के बाद एडियाबेटिक, देखो अगर हम आइसोथर्मल के बाद एडियाबेटिक करते हैं, आइसोथर्मल हमने हीट ली, एडियाबेटिक रिजेक्ट ही करना देगा, हीट अंदर बाहर करी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पिस्टन को बाहर वापस तो आने वापस आएगा तो वो बात बनेगी नहीं आपकी। अगर मैं एडियाबेटिक पहले करूंगा आइसोथर्मल बाद में करूंगा, एडियाबेटिक करूं पहले कर दूंगा तो हीट लूंगा कैसे, ठीक है ना, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन लग के मतलब जब पहली बार इंजन बना होगा तो ये सब कॉम्बिनेशन जो रिसर्च में उन्होंने किए होंगे कि चलो ऐसे करते हैं आइसोथर्मल लें फिर एडियाबेटिक करते हैं। देखो जो रिसर्च होती है जो काम चलता है वो सब मैथमेटिकल चलता है, अगर आप किसी चीज को मैथमेटिकली प्रूव कर सको तो रिजल्ट ट्रू है, अगर आप नहीं कर सको तो आपको थ्योरी है और थ्योरी थ्योरी रह जाती है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, ठीक। ये सब रिसर्च जो है आर एंड डी की हो चुकी है एंड ये बेस्ट ऑप्शन निकला है आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ये सब प्रूफ भी हम करने जा रहे हैं कि इन दी एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही आएगा जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि दैट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक। अगर आप कर सको तो वो भी एक साइकिल है, वो भी एक साइकिल है, अगर आप कर सको तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक साइकिल बना, ठीक है। यहां पर Thank you.
फिर आप कह रहे हो उस पे लेके जाएंगे तो अब अगर हम तो प्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हम कर ही नहीं सकते। आपके पूछो तो कंप्रेशन कैसा है ना, सीधा पूछो ना कंप्रेशन कैसे हो रहा है, एक्सपेंशन तो हो रहा है क्योंकि हमने फिर उनको बंद किया, कंप्रेशन कैसे हो रहा है। अगेन कंप्रेशन बेसिकली क्या हो रहा है, पहली बात तो एक चीज को समझो कि जो मशीनरी चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो टायर आगे जा रहे हैं, देखो एक कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, एक कॉन्ट्रीब्यूशन जब एक मोमेंटम गेन कर लोगे आप, ठीक है, तो आपका जो व्हील, देखो जब मोशन में एकदम गाड़ी आ जाती है तो आपका व्हील मोशन में जब पीछे आता है तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कंप्रेशन ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें बेल्ट भी लगी हुई है, कुछ और मैकेनिकल मशीनरी है, इंजन से काम नहीं चल रहा, और भी 10 चीजें आसपास की खोलोगे ना और बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्प करेंगी आपको आपके इंजन में गैस को कंप्रेस करने के लिए। अब ऐसे तो फिर कोई इंजन चल नहीं पाएगा, एक्सपेंशन तो कर देगा, दबाएगा कौन से, और अगर मैं इसको कंप्रेस नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। तो कंप्रेशन का कोई तो मैकेनिकल कोई सोल्यूशन होगा तो उसके ऊपर हम जानते हैं, बट हाँ हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। आगे अब नेक्स्ट देखो, इधर देखो, कार के अंदर तो बहुत चीजें चल रही है, एसी भी चल रहा है, ऐसे तो 10 चीजें चल रही हैं, मशीन चल रही हैं, कार जब चलती है तो अब इतनी डिटेल में नहीं कि बाकी चीजें कहीं चल रही हैं, हम तो पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, वो बिजली कैसे, लाइट कैसे चलने शुरू हो गई। अब हैवी ट्रांसफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं उसमें लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट अस अज्यूम कि ऐसा मैकेनिज्म है तो कंप्रेशन भी कर रहा है। अब जैसे ही वो कंप्रेशन कर रहा है तो टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। हम क्रिटिकल मॉडल है, एक बात तो समझो, आप अगर अपने उसके चेक भी करोगे ना अपने एसी पुरानी हिस्ट्री, कोई 1870s के अंदर ये जो साइकिल आया था पहला साइकिल, तो इस साइकिल में बेसिकली क्या है कि 1870 मीन्स काफी पुरानी बात है, आज की बात में 1000 भी नहीं हुआ था हमारा। तो बेसिकली उस टाइम में ये अगर आप नेट पे सर्च करोगे विकिपीडिया पे तो उस पर पहली लाइन लिखी हुई है कि दिस इज अ साइकिल जो एक थ्योरेटिकल साइकिल है, इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे बहुत अनसर्टेन है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं कोई चीज बताओ, सोर्स का टेम्परेचर फ्यूल बर्न करने से टी1 आ रहा है, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, आप इतना टी1 का मुकाबला कैसे कर लोगे, ठीक है। आप अज्यूम कर रहे हो कि अगर मैं गैस को कंप्रेस करूं तो टेम्परेचर कितना हो जाता है टी1, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो टी1 आ जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल करने बैठोगे कहां तो पेट्रोल बर्न करके आपने टेम्परेचर टी1 निकाला था, कहां गैस को कंप्रेस करके टेम्परेचर टी1 निकल नहीं सकता, बात समझ आ रही है। तो ये एक मॉडल मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल मॉडल किताबों में है, जब प्रैक्टिकल करने चलेंगे तो ऐसे कई साइकिल्स हैं जो इम्प्लीमेंट होंगे जो इस चीज की कंसिडरेशन को रखेंगे कि अगर मेरा टेम्परेचर उतना राइज नहीं हुआ तो मेरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो कैसे राइज करवाने वो अलग इश्यू हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, पर मैं अज्यूम करता हूँ इस साइकिल में कि चलो मेरा टेम्परेचर टी1 से टी2 हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है यहाँ सर। तो ये एक बहुत आइडियल मॉडल बना रखा है जो एकदम कॉपी पेंसिल एकदम एफिशिएंसी सही निकालेगा, बट एक्चुअली जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने चलोगे तो ये सब साइकिल्स के जो फेजेस हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकल करना अलग बात होती है और हीट को निकालना और थ्योरी में हीट को निकालना अलग बात है, यहां पर क्लियर है। तो अब मैथमेटिकल देखते हैं, ये भी ग्राफ क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट वर्किंग वर्किंग में मैथमेटिकली देखो क्या करना है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि मैथमेटिकली सबसे पहले क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यहां तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कितने T1, आइसोथर्मल इन नेचर, सो द टेम्परेचर इज T1। वर्क डन का फॉर्मूला सबको आता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है PdV फ्रॉम V1 टू या फ्रॉम V1 टू V2, मैंने शायद काटा भी आपके असाइनमेंट में, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो वर्क डन का आपने फॉर्मूला लगाया W1, वैसे तो फॉर्मूला 2.303 RT log ऑफ V2 बाई V1 है, पर क्योंकि मैंने बेस क्या रखा हुआ है इसका T, तो मुझे 2.303 लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो RT 1, क्योंकि पहले प्रोसेस में टेम्परेचर कितना चल रहा है, सोर्स का T1, तो RT1 log एक्सपेंशन हो रहा है कहां से कहां, V1 से V2, तो V1 से V2 बाई V1, और ये वर्क डन किस चीज का वर्क डन है,
एक्सपेंशन का मतलब है, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन आपने एक और काम किया, आपने हीट को एब्जॉर्ब किया, आपने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो हीट को कितना एब्जॉर्ब किया Q1, तो Q1 और W1 इस केस में मैंने क्या किया, प्रैक्टिकली ये भी इक्वल होने लगा, बट क्योंकि हम प्रैक्टिकल मॉडल पढ़ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, तो हम इसमें मान लेते हैं कि Q1 जितनी हीट हमने ली उसका हमने सारे का सारा क्या कर दिया वर्क, क्लियर है। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हीट लॉस को लेते ही नहीं कि उसके द्वारा गर्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, हम कोई इस तरीके का हीट लॉस लेते नहीं है। तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो मैंने Q1 लिया जैसे कैलोरीज में लिया उसका मैंने क्या कर दिया वर्क कर, ठीक है यादव। तो उस हीट ने क्या किया, एक्सपेंशन किया V1 से V2, तो Q1 W1 एक ही बात है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोसेस टू, आ जाओ प्रोसेस नंबर टू इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सीधा फॉर्मुला लगा दें, वैसे PDV फ्रॉम V2 टू V3 कर सकते हैं, सेकेंड वर्क डन किया इन एक्सपेंशन कितना एडियाबेटिक का वर्क डन सबको आता है, RT1 - T2 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, T1 - T2 गामा माइनस। और एक चीज और देखो साथ के साथ, जब AB फर्स्ट वर्क डन किया था Q1 या W1 एक ही बात है, ग्राफिकली अगर मैं बनाऊं तो एरिया अंडर अ कर्व इज वर्क डन, तो A से लेके B तक एरिया क्या होगा, ये पूरे का पूरा क्या है एरिया, ठीक है ना, ये शेडेड एरिया पूरे का पूरा हो गया, मींस एरिया फ्रॉम एरिया अंडर A B स्मॉल A कैपिटल A, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व कैपिटल AB क्या होगा, जो मैंने शेड किया एंड सर्कल किया सारा का सारा एरिया होगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट एरिया अंडर BC क्या होगा एडियाबेटिक, एरिया अंडर सेकेंड प्रोसेस में W2 वर्क डन है, ग्राफिकली कैसे निकलेगा एरिया अंडर BC, ये पूरे का पूरा दैट इज BCCP, ठीक है ना, यहां तक सेकेंड वर्क डन भी निकल गया। थर्ड नेक्स्ट है, अब आपने क्या किया, आपने उसको सिंक पे रख दिया, और प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल है, तो कायदे से बनता क्या है Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, W3 अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है थर्ड केस में, और सेकेंड केस में Q2 का कोई काम नहीं बिकॉज प्रोसेस एडियाबेटिक था, थर्ड केस में प्रोसेस क्या चल रहा है आइसोथर्मल में Q2 हीट रिजेक्ट कर रहे हो, इसके लिए W3 वर्क डन कर रहे हो, और P-TD क्यों नहीं था बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कंप्रेशन, कहां से कहां हो रहा है V3 से भी ठीक है समझ आ रहा है। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो कायदे से फॉर्मूला लगना चाहिए -RT2, डीवी को नेगेटिव इसमें लिया मैंने, -RT2 लॉग ऑफ V4 अपॉन V3, जब हम हमारा वॉल्यूम V3 से V4 पे जा रहा है ना, तो हमें आदत है लॉग के अंदर फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो V4 अपॉन V3। और मैथ्स का एक स्टेप है, अगर मैं माइनस को लॉग के अंदर ले जाऊं तो ये रेशियो क्या हो जाएगी रिवर्स, V3/V4 रेज टू पावर -1 हो जाएगा ना इसलिए। और अगर ग्राफिकली बात करो, ग्राफिकली हम सी से लेकर डी की बात कर रहे हैं, तो ग्राफिकली एरिया अंडर CD विच बिकम्स एरिया अंडर CCDD, ये एरिया होगा, ये भी क्लियर है यहां पर कोई डाउट इसमें किसी को, मतलब इस एरिया का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ना, किसी वैल्यू कितनी है शेडेड एरिया की, तो ठीक है आप लगा लेना ये वाला फॉर्मूला W3 वाला, ये वाला, तो ये वाला, तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है यहां तक क्लियर है। और लास्ट प्रोसेस क्या था, लास्ट प्रोसेस वॉज एडियाबेटिक, अगेन TV इसमें नेगेटिव होगा, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या V4 से V1 पे लेके आ रहे हो वापस से, सीधा यहां से देखो तो आपने क्या किया इसमें इनिशियल टेम्परेचर कितना है T2, फाइनल टेम्परेचर कितना है T1, और नॉर्मली हम एडियाबेटिक में इनिशियल टेम्परेचर में से फाइनल टेम्परेचर माइनस करते हैं, तो ये आपके पास आ गया -1, माइनस साइन को आपने एडजस्ट कर लिया इसके साथ, तो T1 - T2 वर्क डन आ गया ये भी। और ग्राफिकली अगर वर्क डन देखना है तो ग्राफिकली वर्क डन डी एरिया अंडर डी ए ए डी एरिया,
ठीक है ना, मतलब ये जो कर्व मैंने बनाया डी, ये डायग्राम थोड़ा सा ये ठीक नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि डी और ए के अंडर जो भी एरिया आएगा वो सारा का सारा बन जाना। ठीक, चारों वर्कडन्स आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने चारों वर्कडन्स का नेट वर्कडन निकालना है। जो आप नेट वर्कडन निकालोगे, चारों वर्कडन को ऐड करोगे, W1, W2, W3। पहला क्वेश्चन तो लोग पूछेंगे सर, साइन कन्वेंशन बी क्यू फिर से कैसे आ गई, हम पहले यूज तो कर चुके हैं माइनस माइनस, अब फिर से प्लस प्लस करना शुरू कर दिया। प्रोग्राम आया था, देखो साइन कन्वेंशन किसने बनाई, हमने बनाई, मैथमेटिकली तो नहीं करके आ रही ना। एक होती है मैथमेटिकल चीज, मैथमेटिकल का मतलब होता है कि मेरा वॉल्यूम पहले 10 था, बाद में 8 हो गया, तो मेरा डीवी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 8 माइनस 10 माइनस 2 स्टैंड्स फॉर इतनी कंप्रेशन है। ठीक है, कन्वेंशन समझ लियो, कन्वेंशन का मतलब कि हमें डिफ्रेंशिएट करना आ गए कि इस ये जो वर्कडन्स है ये एक्सपेंशन किए, ये जो वर्कडन्स है वो कंप्रेशन किए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने एक फॉर्मूला किया होगा 1/v - 1/u + 1/x, सुना होगा लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u, लेंथ का आपने शेयर, v इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f फॉर फोकल लेंथ, सुना होगा उसका प्रूफ भी शायद आपने किया होगा। प्रूफ के अंदर जब आप करते हो, अब प्लस टू में आएगा प्रूफ, जब प्रूफ करोगे ना, प्रूफ के टाइम हम साइन कन्वेंशन बीच में यूज करते हैं, U के आगे माइनस यू, V के आगे माइनस V, F के आगे माइनस F, आंसर आता है 1/f, 1/v - 1/x। अब मैंने प्रूव कर दिया ये फॉर्मूला, ठीक है, मैंने डराइव किया, डराइव करके मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1/v - 1/u - 1/x, मैंने स्टूडेंट को न्यूमेरिकल दिखा कि चल न्यूमेरिकल करके दिखा। अब वो क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल के अंदर अगर लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव, अगर राइट की तरफ इमेज है तो वी पॉजिटिव, और अगर U और V मीन ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है तो U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव। अब मैं उसको ये कह रहा हूं, फिर डराइव करते हुए हम साइन कन्वेंशन पुट कर तो चुके हैं, अब तो दोबारा से पुट कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल में पुट करते हो ना, और जब हम डराइव करते हैं ना उसे, हम फिर से पुट करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कन्वेंशन आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये बताती है कि ये जो वर्कर्स है या ये जो क्वांटिटीज है और दूसरी जो क्वांटिटीज है उनमें क्या डिफरेंस है। तो कन्वेंशन हर जगह लगेंगी, आप न्यूमेरिकल करोगे उनमें भी कन्वेंशन लगेंगी, चाहे आप थ्योरी में एक बार कन्वेंशन यूज कर चुके। तो यहां पर क्योंकि हम नेट वर्कडन निकाल रहे हैं, अगर मैं सारे वर्कडन को मान लो पॉजिटिव ले लू, चलो W1, W2, W3, W4 मैं लेता कन्वेंशन कि मैं तो ले चुका हूं, आप ठीक आप करो तो ठीक है, फिर एक काम करना, फिर एरिया को भी क्यों नेगेटिव ले रहे हो, आप एरिया को भी पॉजिटिव ले लो, सारे एरिया को पॉजिटिव कर दो और कॉन्ट्राडिक्शन करके बैठ जाओ कि एरिया में साइकिल वर्कडन होता था ना, मैं किया था तो इसमें कैसे निकलेगा एरिया में साइकिल, नहीं निकलेगा। मतलब अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो शो कि ये एक्सपेंशन है और ये कंप्रेशन है, तो उस केस में ये एरिया में से ये एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस। मीन्स डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये पहले वाला वर्कडन है टोटल, और जो दूसरे दो वर्कडन हैं वो ये वाला एक वर्कडन है जो मैं शेड कर रहा हूं, ये सारा वर्कडन है, और नेट वर्कडन क्या होगा, ब्लू वर्कडन में से रेड वर्कडन माइनस हो गया, तो क्या बना, एरिया इन अ साइकिल। और ऐसा कब आ रहा है, जब हम साइन कन्वेंशन लेके डिफरेंशिएट करें, क्लियर है। तो मतलब हमें तो नहीं किसी ने कहा था एरिया माइनस ले लेना, एरिया माइनस क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमने डिसाइड किया पूरे थर्मोडायनामिक्स में जब जब एक्सपेंशन है या जब जब आपका ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट की तरफ जा रहे तो एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक, तो उसी तरीके से अगर हम साइन कन्वेंशन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो वर्कडन आएगा वो दो एक्सपेंशन का दो कंप्रेशन का, या फिर ऐसे बोल सकते हो कई लोग कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कई लोग ऐसे कर लेते हैं कि चलो ये डीवी पहला नेगेटिव इसलिए था बिकॉज डीवी नेगेटिव था, साइन में से इनिशियल वॉल्यूम में माइनस करते तो नेगेटिव आता है, क्रिएट साइन कन्वेंशन इसलिए है क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ थर्मोडायनामिक्स में कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा और ऑन द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से एक फायदा हुआ क्या, कि अगर आप मैग्नीट्यूड पे जाओ, अगर आप
चार इक्वेशन देखो अपनी, चार इक्वेशन में इक्वेशन नंबर टू में ये आंसर आया था T1 - T2, और इक्वेशन नंबर फोर में फिर से सेम आंसर आया था T1 - T2, यानी कि W2 और W4 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। और अगर ये सेम है तो W4 W2 कैंसल, बचा क्या W1 - W3। W1 आइसोथर्मल का वर्क डन, W3 आइसोथर्मल का वर्क डन। तो इसमें W1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1, हमने प्रूव किया था ना W1 = Q1, और W3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं Q2, क्लियर। तो W3 Q2, तो मैंने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि मैंने कितना काम किया Q1 - Q2। आप कर सकते हो तो जैसे मर्जी साइकिल बना, इसमें इसने प्रूव किया, इसका मतलब इससे ही चल रहा है आगे। अब एरिया वाइज भी प्रूव कर दिया इसने, जब आप सारे एरिया माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा एरिया इन अ साइकिल, और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल अभी हमने डिस्कस किया, एफिशिएंसी इज आउटपुट, या आउटपुट है वर्क डन अपॉन इनपुट, या फिर 1 - Q2 / Q1। मैं मैथमेटिकली Q2 निकाल चुका हूं, इक्वेशन नंबर आप चेक कर सकते हो 3, और मैं Q1 भी निकाल चुका हूं इक्वेशन नंबर 1, सही पुट कर दिया ठीक, कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, R से R ये बच गया ठीक, एफिशिएंसी आ गई। बड़ी कॉम्प्लेक्स ही आ रही, इसको आसान करते हैं थोड़ा सा, कैसे वापस ग्राफ पे चले जाओ। इस ग्राफ में सबसे पहले हम यहां से कहां है, यहां पर आए, कौन सा प्रोसेस है, आइसो, इक्वेशन क्या बनेगी ठीक है, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक एडियाबेटिक, तो P2 V2 गामा P3 V3 गामा ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है यहां से लेकर यहां तक आइसो P3 V3 P4 V4 ठीक है, यहां तक नेक्स्ट है डी से लेकर ए तक, कौन सा एडियाबेटिक, P4 V4 गामा P1 V1 गामा ठीक है ना, आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल की कंडीशन, एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक की कंडीशन ठीक। इन चार इक्वेशंस को लिखो एक जगह पर, लिखा हुआ है शायद इसमें, ये 6 7 8 9 ठीक है, यहां तक चार इक्वेशंस को लिखा, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबके लेफ्ट हैंड साइड, सबके राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, P1 P2 P3 P4 P2 P3 P4 P1 कैंसल ठीक है। यहां से V2 ये आपके पास V1 है, इस V1 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये V4 है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये V3 है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, और V2 को V2 के डिनोमिनेटर में, मींस थोड़ा सा मैथ सप्लाई करो, पावर एडजस्ट करो, कैंसल करो, आपके पास ये बच जाएगा, और क्योंकि लेफ्ट और राइट की पावर एग्जैक्टली सेम है तो γ-1 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 एंड γ-1 कैंसल, आपके पास ये रेशियो बच गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V3 / V4 इज इक्वल टू V2 / V1, और क्या करना है इसमें, पीछे ये आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और मैंने प्रूव कर दिया कि V3 / V4 की रेशियो इज इक्वल टू V2 / V1 की रेशियो, तो ये क्या हो गया कैंसल, आंसर क्या आ गया 1 - T2 / एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला ठीक है। यहां तक एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला, सोचो अगर आप चाहते हो कि इंजन की एफिशिएंसी 1 हो जाए 100%, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, T2 को 0, T2 0 मतलब
जो सिंक है जहां हीट को फेंक रहे हो उसका टेम्परेचर जीरो, जो कि पहली बात करना मुश्किल है, नहीं होता। एक और बात सोचो, टी टू टी वन बराबर हो गया, मान लो टेम्परेचर अंदर और बाहर का सेम हो गया, कि सपोज करो कि एक पेट्रोल बर्न किया, अगर अंदर 800 डिग्री सेल्सियस, बाहर भी मान लो 800 डिग्री सेल्सियस, मान लो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंजन काम नहीं करेंगे वहां पे। बात समझ में आ रही है? आपने ये सुने अगर बहुत गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, बहुत बहुत गर्मी 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस, एसी काम करने बंद कर देते हैं, एसी की कूलिंग कम हो जाएगी ना? नहीं। अब टेम्परेचर अगर अंदर बाहर का सेम हो जाएगा तो इंजन की फंक्शनिंग कैसे होगी, मुझे बताओ। ठीक बोल रहा हूं ना? तो काम कैसे करेंगे? एक्चुअल में बेसिक प्रिंसिपल ये है, देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड अ सिंक, तभी कुछ एफिशिएंसी बननी शुरू होगी, नहीं तो एफिशिएंसी बननी बंद हो जाएगी। तो पॉइंट क्लियर है? चलो, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1। आपसे पेपर में पूछा हो या ना पूछा हो, क्वेश्चन पेपर में आएगा राइट वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, फटाफट लोग करेंगे और आ जाएंगे। यही लगे क्यों ये पूछा है? आप कार लेने जाते हो तो बड़ी चीज क्या पूछते हो, मालिश है नॉर्मली, क्या पूछते हो या इसकी अविष्ट है, उसके बाद शुरू करते हैं। 10 इंजन रखे हुए हैं टेबल पे, देखने में सारे ऐसे होते हैं, परफॉर्मेंस से ही पता लगता है कितना सही इंजन है, और परफॉर्मेंस कौन बताएगा, एफिशिएंसी। इसलिए अगर आपने एफिशिएंसी नहीं लिखी तो टीचर नंबर काटेगा ही काटेगा, जो मर्जी कर लो, पूछा हो या ना पूछा, पासन में आ रही है दो महीने के अंदर। एक और Thank you.
जो पार्ट है दैट इज रेफ्रिजरेटर, जो आखिरी पार्ट कमेंट दूंगा, एक कारनोट थ्योरम है। कारनोट थ्योरम अगर स्पेलिंग मिस्टेक है प्लीज करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक। कारनोट थ्योरम के अकॉर्डिंगली ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर हैव सेम एफिशिएंसी व्हाट एवर इज द नेचर ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस। मतलब एफिशिएंसी इज 1 - P2/T1। आप पानी को बर्न करो, पेट्रोल को बर्न करो, डीजल को बर्न करो, हार्डली मैटर्स। अगर आपका T1 T2 बराबर है तो उसके अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी भी उस इंजन की क्या आएगी, बराबर है। तो क्यों नहीं आती, क्योंकि पानी को बर्न करके उतना टेम्परेचर गेन नहीं कर पाते जितना पेट्रोल को बर्न करके गेन कर पाओगे। इसीलिए एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की, पानी के इंजन से तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। पानी का तो जितना भी टेम्परेचर राइज कर दोगे उतना गेन नहीं कर पाओगे गैसेस का टेम्परेचर जितना पेट्रोल और डीजल का। ठीक, सो बेसिकली एक तो ये प्रिंसिपल है। सो सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स ऑफ अ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर में हम वर्क डन लेते नहीं, हम वर्क डन देते हैं। सो कैसे देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी चलेगा रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे सो आप वर्क डन कर रहे। बिल्कुल एरोस को उल्टा कर देंगे, वही सोर्स है वही सिंक है। सिंक एरिया आपके रेफ्रिजरेटर के जो इनसाइड एरिया है दैट इज नोन एज अ सिंक। बाहर का एरिया जो फ्रिज के बाहर है या एसी के बाहर है वो क्या है, आपका सोर्स। ठीक, सो सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से हमेशा बड़ा होगा। हीट आपने Q2 निकालनी है, किसी भी प्लेट से पानी पड़ा हुआ है, यू विल बी टेकिंग सम हीट Q2 फ्रॉम द सब्सटेंस और उसको रिजेक्ट कर दोगे बाहर। बाहर जो रिजेक्ट करोगे वो जो हीट है वो जितनी आपने निकाली थी उससे भी ज्यादा आएगी। वो क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वर्क तब आप एनर्जी दे रहे हो, जो आप एनर्जी दे रहे हो वो भी तो बाहर निकलेगी किसी न किसी फॉर्म में। तो कुछ एनर्जी ने तो इसको बाहर निकाला और जो बची हुई एनर्जी है वो क्या करेगी, बाहर एटमोस्फेयर में हीट को उठाकर बाहर रिजेक्ट कर दोगे। एक अच्छा रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, और एक और चीज, वर्क डन क्या होगा, वर्क इज डन बाय द कंप्रेसर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड कितना वर्क डन किया, Q1 - Q2 उल्टा, दैट इज रिवर्स ऑफ अ हीट इंजन। दूसरी चीज, कोई अच्छा रेफ्रिजरेटर हम कब बोलेंगे, जब वो ज्यादा हीट निकालेगा सब्सटेंस में से और कम वर्क डन लेगा, बिजली कम खाएगा और हीट ज्यादा निकालेगा। ठीक, दैट इज एफिशिएंसी। कितनी हीट रिजेक्ट हमने बाहर निकाली, Q2
डिवाइडेड बाई कितना हमने क्या किया वर्क कर। तो ये क्या आ गई रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी नहीं होती, रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर के केस में हम एफिशिएंसी वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका सिंबल क्या होता है बीटा। तो चेक कर लो, सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज Q2 बाय W, W मीन्स Q1 माइनस Q2, Q2 मीन्स Q2, Q1, Q2, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Q2 से डिवाइड कर दो, 1 Q1 बाय Q2 माइनस 1। हमने इंजन के केस में किया था 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, सो Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, सो आई कैन रिप्लेस दिस Q1 बाय Q2 बाय T1 बाय T2। सो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला बना वो दो फॉर्मूला बन गए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। पॉइंट क्लियर है, दो रेफ्रिजरेटर में जिनका कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस बड़ा होगा वो एक बेटर रेफ्रिजरेटर। क्लियर है यहां पर एनी डाउट? ठीक, नेक्स्ट टाइम जब आओगे कितने लोग क्वेश्चन पढ़ के आते हैं? 7:15 तक कौन नहीं आ सकता? अप टू 7:15